एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी में स्थित ग्राम अली नगर पहुँचा। लगभग 5800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुखबीर सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 3800 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर गाँव के विकास कार्यों की करें तो ग्राम प्रधान ने गांव में 40 हैंडपंप लगवाए हैं जिससे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था ठीक की जा सके। साथ ही कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है। वहीं विद्युत व्यवस्था को देखा जाए तो प्रधान ने 300 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 50 सोलर लाइटें भी लगवाई हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी की टंकी, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, खेल का मैदान, बारात घर, शमशान घाट का निर्माण राज्य व केंद्र सरकार से कराने की मांग की है। मैं ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह, ग्राम पंचायत अलीनगर, ब्लॉक कुदरकी, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव में 2 साल से पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ और विकास के लिए मैंने रास्ते डलवाए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है और लाइटें लगवाई हैं, सोलर लाइट वगैरह लगवाई हैं, मगर फिर भी गाँव की पंचायत काफ़ी बड़ी है इसलिए पैसे के अभाव में पूरे काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि पैसा जैसे आता रहेगा वैसे ही गांव का विकास कराते रहेंगे। और हमारी सरकार वैसे प्रधानों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है फिर भी, मगर गांव की अपेक्षाएं इतनी होती हैं कि उनकी पूर्ति करने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत है और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, अधिकारियों के संपर्क में रहता हूँ और अपने प्रधान अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष जी हैं उनके भी संपर्क में रहते हैं और हम अपने मुद्दे अधिकारियों के आगे उठाते रहते हैं। गांव में राशन वितरण सही प्रणाली चल रही है उसके लिए भी प्रयास करते रहते हैं। मैं सुनील कुमार ग्राम अलीनगर से हूं। हमारे गांव में जो ग्राम प्रधान वैसे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पर सरकार से हम तो यही कहना चाहेंगे कि पानी के निकासी की व्यवस्था हमारे गाँव में थोड़ी सही नहीं है और जो ग्राम समाज की भूमि है, जो तालाब हमारा पाट रखा है, उसे मुक्त कराने के लिए हमारे गांव में जल्दी से जल्दी एक टीम भेजी जाए जिससे कि तालाब की मुक्ति हो सके और राशन भी सुदृढ़ व्यवस्था में बढ़ना चाहिए हमारे गांव में, उसमें भी थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है।